तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ फिर से ब्रॉल स्टार की बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से स्क्विक का यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में और ड्यू शोडाउन इस ब्रॉलर के साथ मैं खेलने वाला हूँ। तो आपका फिर से स्वागत है राजपोल गेमर चैनल में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा पार्टनर कौन है। तो आप देख सकते हो कि स्प्राउट हमारा पार्टनर है अभी। तो स्प्राउट और स्क्विक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। तो नीचे से पोको आ चुका है और भी आ चुका है, तो मैंने पोको अच्छी खासी डैमेज दे दी है और ऊपर से कार्ल भी आ चुका है और ये पोको तो स्माइली दे रहा है तरह तरह के। तो जहाँ पर मैंने अपने सुपर का इस्तेमाल किया तो आई थिंक जो कार्ल है वो थोड़ा इंजरी हो चुका है, लेकिन जहाँ पर जो बो है उसको भी हमने गेम से आउट कर दिया है। तो सिर्फ अभी पोको को हम उसके पीछे लग जाएंगे ताकि वो इस गेम से आउट हो जाए, लेकिन उसका जो पार्टनर है टिक वो अभी आ चुका है। तो देखना हो कि स्प्राउट जो है जो मेरा पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है ओपोनेंट की टीम को। तो जहाँ पर अभी शोडाउन शुरू हो चुका है तो सामने वाली जो टीम है उसमें एक बुल है और एक पैनी है। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली हमारी टीम को, लेकिन जो पैनी का जो टोरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है हमको। तो मैं सिंपली इसको मैं जहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा, तो जहाँ पर बुल को भी अच्छी खासी डैमेज मिली है और जो ओपोनेंट की पैनी है वो तो स्प्राउट के पीछे लग चुकी है। तो मैं बुल के पीछे भी जाता हूँ ताकि इसको मैं डैमेज दे सकूँ। तो बुल अभी छुपता फिर रहा है मुझसे, आई थिंक वो टाइम को वेस्ट करना चाहता है, लेकिन मैंने उसको डैमेज की है फिर से। मुझे लगता है कि जो पैनी है वो नीचे डाउन में चली गई है, तो मैं जहाँ पर बुल को डैमेज देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ अभी स्प्राउट भी आ चुका है, तो अभी पैनी रहती है इस गेम पे। तो आई थिंक इसकी हेल्थ जो है वो लो थी, इसलिए हम ये मैच आसानी से जीत चुके हैं। तो दोस्तों अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ब्रॉल स्टार की बिल्कुल नई वीडियोस इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।